वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एवेल्युएट करना है हमने आयोटा की पावर 33 को। तो आयोटा की पावर जब ओड होती है तो हमारे पास क्या होता है, इवन होती है तो क्या होता है, वो भी मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगी। ओड होगी तो क्या करना है, ओड होगा तो ये करना है, 32 पावर है ना, तो अगर हम यहाँ पर 32 लिख लें और यहाँ पर डॉट आयोटा लिख लें तो ये इसके इक्वल होता है। यस, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पावर आयोटा की ओड होगी तो उसको हम एक पावर इवन और एक इस तरह से लिख लिया। जैसे यहाँ पर देखिए ओड की बात कर रहे हैं ना, तो 23 है तो मैंने क्या किया, आयोटा 22 और आयोटा लिख लिया। अगर 27 की बात कर लें, वो भी ऑड ही है, पावर आयोटा की आनी है अगर हो तो कैसे इस तरह आना है, फिर आना है आयोटा 27 में, खुद सोचें आप। यस, आयोटा 26 और आयोटा, फिर आगे सॉल्व हो जाना वो मैं बताती हूँ। ये देखिए आयोटा 32 और आयोटा आ गया, फिर आयोटा 2 इधर लिख लेना है। 2 कितने टाइम 32 होता है हमारे पास, 16 टाइम, 16 यहाँ आ जाना है। जो भी यहाँ पर पावर होगी ना, तो हमने क्या करना है, 2 इधर, 2 कितने टाइम ये नंबर हो जाएगा, तो 2 16 टाइम हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 होता तो क्या करना था, 2 ही अंदर लिखना है। क्यों आयोटा 2 ही अंदर क्यों लिखना है, आयोटा स्क्वायर क्यों लिखना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इसलिए। अच्छा, फिर हमने ये करना है कि अगर 30 होता तो क्या करना था, 2 कितने टाइम 30 होता है, 15 टाइम, तो यहाँ पर 15 आ जाना था। मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लें कि आयोटा 22 है तो हमने 2 इधर लिख लिया, 2 कितने टाइम 22 होता है, 11 टाइम, तो 11 पावर आ गया। फिर क्या हो जाना है, आपके पास सिंपल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1, और फिर आपने पावर लिख लेनी है साथ में 16 डॉट आयोटा। अब क्या हो जाना है, अब आपने याद रखना है कि जब बेस में माइनस साइन है, पावर इवन है, तो आंसर में माइनस नहीं आना। यहाँ पर डॉट आयोटा एज इट आ जाना है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आयोटा आ जाएगा, और जब बेस में माइनस साइन होता है, पावर ओड हो, तो आंसर में माइनस आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 पावर हो, बेस में माइनस साइन हो, तो यहाँ पर माइनस आना था 1 के साथ, ठीक है, लेकिन पावर इवन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं आया। अब पावर इवन ऑड की बात हमने की है, आयोटा 33 पावर ऑड है, इवन की बात कर लेते हैं, तो इवन पावर आयोटा की इवन हो तो बहुत सिंपल है, 2 इधर लिख लो, 2 कितने टाइम 24 होता है, 12 टाइम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, पावर लिख लो, और फिर वही कॉन्सेप्ट है कि बेस में माइनस साइन है, पावर इवन है, तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया, माइनस नहीं आना, ठीक है ना। तो पावर इवन ये है, पावर ओड को तो आप देख ही चुके हो, उसको इस तरह से करते हैं, इवन को इस तरह से करते हैं। यहाँ पर भी देखें कि आयोटा 32 है, पावर इवन है, तो कैसे सॉल्व किया, 2 कितने टाइम 36 16 टाइम, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पावर आ गई, पावर को सॉल्व किया और आंसर आ गया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, आयोटा की पावर इवन हो, ओड हो, या आयोटा के और क्वेश्चन आपने देखने हो, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर और आयोटा के नेम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।